हाय गाइस, 2021 एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए जीके की प्रिपरेशन इस तरह से करनी होगी कि कम टाइम में भी 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ला पाएँ। ऐसे क्वेश्चंस को याद करना होगा जिनके आने के चांसेस किसी भी नॉर्मल क्वेश्चन से 80% ज़्यादा हो। इस वीडियो में आप ऐसे ही क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और सीपीओ में कई बार आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने 5 वीडियो में अपलोड किए हैं, जिसका मतलब है कि जस्ट 5 वीडियोस में आपकी जीके 95% कंप्लीट हो जाएगी। और जीके में 50 मार्क्स आने से Tier 1 को क्लियर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, मोपला रेबेलियन हैपेंड इन विच स्टेट? मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? आंसर इज केरला। क्वेश्चन नंबर 2, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1919 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था? आंसर इज दिल्ली, यानी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स रिफर टू फ्री पास और ड्यूटी फ्री ट्रेड? निःशुल्क पास या शुल्क मुक्त व्यापार के लिए निर्दिष्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? आंसर इज दस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कस्टम ड्यूटीज वेयर कंप्लीटली वेव्ड फॉर द ट्रेड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी? किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए कस्टम करों को पूरी तरह से माफ कर दिया गया था? आंसर है 1717। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ भारत रत्न? निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता थे? आंसर इज सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर कांग्रेस रिकॉग्नाइज द मुस्लिम लीग एज द पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? किस वर्ष में कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल के रूप में मुस्लिम लीग को मान्यता दी? आंसर इज 1916। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्प्लिट बिटवीन टू ग्रुप्स, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स? निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 समूहों, नरमपंथियों और चरमपंथियों के बीच विभाजित हो गई थी? आंसर इज सूरत। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर अशोकाज इंस्क्रिप्शन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज डिक्लेयर्ड टैक्स फ्री एंड प्रोक्लेम्ड ओनली 1/8 पार्ट एज टैक्सेबल? अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया? आंसर इज लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 9, इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन विच अमंग द फॉलोइंग सकर रूलर अचीवमेंट्स आर हाईलाइटेड? जूनागढ़ शिलालेख में निम्नलिखित सक शासकों की उपलब्धियों में से कौन सा प्रकाश डाला गया है? आंसर इज रुद्र दमन।
क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इट्स अमेंडमेंट? भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसके संशोधन से संबंधित है? आंसर इज भाग 20 यानी पार्ट 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धाज ओनली सन? गौतम बुद्ध के इकलौते पुत्र का नाम क्या था? आंसर इज राहुल। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम राइटर्स हैज रिटन द फेमस हिंदी वर्क पद्मावत? निम्नलिखित में से किस मुस्लिम लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी कृति पद्मावत लिखी है? आंसर इज मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ट बाय शेरशाह सूरी कनेक्ट्स विच प्लेसेस? शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड किन जगहों को जोड़ता है? आंसर इज लाहौर से ईस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 14, विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज द ड्रीम इन स्टोन्स? किस स्मारक को पत्थरों का सपना कहते हैं? आंसर इज पंचमहल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टेनर ऑफ इंडिविजुअल राज्यसभा मेंबर्स? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? आंसर इज 6 ईयर्स यानी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्स इज रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज? निम्नलिखित अनुसूची में से कौन नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित है? आंसर इज 12th अनुसूची, 12th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 17, तिलक स्वराज्य फंड वॉज स्टार्टेड टू फाइनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? तिलक स्वराज्य कोष को निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए शुरू किया गया था? आंसर इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो लॉन्च द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम एनी बेसेंट? निम्नलिखित में से किसने एनी बेसेंट के अलावा भारत में एक होम रूल आंदोलन शुरू किया? आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 19, द आर्यंस डेडिकेटेड होल ऑफ अ सेपरेट मंडला इन ऋग्वेद फॉर द हाइम्स डेडिकेटेड टू हूम? आर्यनों ने निम्नलिखित में से किसके लिए ऋग्वेद का एक अलग मंडल समर्पित किया? आंसर इज सोम। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ अमृतसर? सिखों के किस गुरु ने अमृतसर की स्थापना की? आंसर इज गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर डिड सिपॉई म्यूटिनी स्टार्टेड इन 1857? 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? आंसर इज मेरठ, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? आंसर इज व्योमेश चंद्र बनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज टर्नर साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड। निम्नलिखित में से किस वाइसराय के शासनकाल में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया? आंसर इज लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज प्रिस्क्राइब्ड। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित है? आंसर इज पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम स्कॉलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महमूद ऑफ गजनी। महमूद गजनी के समय भारत में निम्नलिखित मुस्लिम विद्वान में से कौन आया था? आंसर इज अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया एंड सैक्ड दिल्ली। नादिर शाह ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया और उसे लूटा? आंसर इज 1739। क्वेश्चन नंबर 27, हु रिगार्डेड एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर इज राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 28, कुंवर सिंह वॉज अ लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन विच अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न स्टेट्स। 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह किस राज्य का नेतृत्व कर रहे थे? आंसर इज बिहार। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड इंडिया। सिकंदर महान ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? आंसर इज 326 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, लॉर्ड जगन्नाथ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? आंसर इज पुरी। क्वेश्चन नंबर 31, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियम में से किसने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? आंसर इज 61st अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ हर्षचरित्र। निम्नलिखित में से कौन हर्षचरित्र का लेखक है? आंसर इज बाण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड द राष्ट्रकूटा किंगडम। निम्नलिखित में से किस राजा ने राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की थी? आंसर इज दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 34, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम अमंग द डेक्कन सिस्टम ऑफ रिवर्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों की दक्कन प्रणाली के बीच सबसे बड़ी नदी प्रणाली है? आंसर इज गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो एंड खासी हिल्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। गारो और खासी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है? आंसर इज हिमालयाज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? आंसर इज 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ इंडिका? निम्नलिखित में से कौन इंडिका का लेखक है? आंसर इज मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है? आंसर इज आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स शिफ्टेड टू पिलर एडिक्ट्स फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ टू दिल्ली? निम्नलिखित में से किस शासक ने टोपरा और मेरठ से दिल्ली में दो पिलर एडिक्ट्स को स्थानांतरित किया? आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? आंसर इज 1911 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियन नेशनल सॉन्ग संग फॉर द फर्स्ट टाइम? राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? आंसर इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 सत्र, 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 44, वेयर इज सिचुएटेड द बैटल फील्ड ऑफ पलासी? पलासी का युद्ध जिस जगह पर हुआ था वह किस राज्य में है? आंसर इज वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी अनफ्लर्ड द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वराज का झंडा फहराया? आंसर इज कोलकाता सेशन 1906, यानी कोलकाता सत्र 1906। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ग्रांट द राइट टू इक्वालिटी टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 14-18, यानी अनुच्छेद 14-18। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द 23rd जैन तीर्थंकर वॉज एसोसिएटेड? निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध 23वें जैन तीर्थंकर से है? आंसर इज वाराणसी, यानी बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर अशोका इन्वेडेड कलिंगा? किस वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया? आंसर इज 261 बिफोर क्राइस्ट।
क्वेश्चन नंबर 49, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हु डिफीटेड मराठास, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया? आंसर इज अफगानों ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आंसर इज वेन सांग. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद फौज टेक प्लेस, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस जगह पर हुई थी? आंसर इज सिंगापुर. नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम वॉज एस्टैब्लिश बाय गांधी जी इन विच ईयर, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? आंसर इज 1915 यानी 1915. क्वेश्चन नंबर 53, हु रोट वंदे मातरम, वंदे मातरम नामक गीत किसने लिखा है? आंसर इज बंकिम चंद्र चैटर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन एशिया, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आंसर इज माजुली आइलैंड जो असम में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप बाई विच रूलर, वल्लभी महाविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया? आंसर इज भट्टारका. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाई हूम, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? आंसर इज नरसिंह देव प्रथम. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा वॉज हेल्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स, लोकसभा का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? आंसर इज 1952. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग वॉज द फर्स्ट टू कैप्चर मालदीव्स, किस चोल राजा ने पहली बार मालदीव्स पर अपना अधिकार किया? आंसर इज राजा. नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल टेनेसी एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, बंगाल टेनेसी एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? आंसर इज 1885. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सक्सेसर ऑफ हैदर अली, निम्नलिखित में से कौन हैदर अली का उत्तराधिकारी था? आंसर इज टीपू सुल्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट रिस्टोर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स दैट वॉज अर्लियर कर्टेल्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, किस संशोधन ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहाल किया जो पहले संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा छीन लिया गया था? आंसर इज 43rd अमेंडमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अशोकन पिलर एडिक्ट मेंशंस द धम्म महामताज, किस अशोक स्तंभ में धम्म महामता का उल्लेख है? आंसर इज पिलर एडिक्ट 7, स्तंभ संपादित 7.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड टू सेटअप एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, निम्नलिखित समितियों में से किसने समान अवसर आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी? आंसर इज सच्चर समिति या सच्चर कमिटी। हु वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन चोल वंश की राजधानी थी? आंसर इज उरियायोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड ब्रह्म समाज इन 1828? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आंसर इज राजा राममोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 67, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज वॉज हेल्ड इन विच ईयर? भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव किस वर्ष आयोजित किया गया था? आंसर इज 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज इट्स ओन हाई कोर्ट? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ मार्टर्स? शहीदों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आंसर इज भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द 23rd जैन तीर्थंकर? 23वें जैन तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर इज महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स राइजेस फ्रॉम द मिलाम ग्लेशियर इन कुमाऊं हिमालय? निम्नलिखित में कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय में मिलम ग्लेशियर से निकलती है? आंसर इज गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय ए.ओ. ह्यूम? ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की? आंसर इज 1885। क्वेश्चन नंबर 77, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब? औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन गया था? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी आए थे। क्वेश्चन नंबर 78, महात्मा गांधी लॉन्च्ड खेड़ा सत्याग्रह इन 1918 इन गुजरात टू सपोर्ट हुम? किसका समर्थन करने के लिए
महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की? आंसर इज किसान यानी द पीजेंट। क्वेश्चन नंबर 79, द एक्सकावेटेड बुद्धिस्ट साइट ललित गिरी विच वॉज नोटिफाइड एज सेंट्रली प्रोटेक्टेड इन द ईयर 1937 इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? उत्क्रमित बौद्ध स्थल ललित गिरी, जिसे वर्ष 1937 ईस्वी में केंद्र द्वारा संरक्षित के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? आंसर इज ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज पंजाब केसरी और शेरे पंजाब? किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है? आंसर इज लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द वायसरॉयलिटी ऑफ होम रॉलेट एक्ट 1919 वॉज पास्ड? रॉलेट एक्ट 1919 किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया था? आंसर इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून ऑफ एशिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी का लगून निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर इज उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस महावीर अटेंड निर्वाणा? महावीर को किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई? आंसर इज पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? हेमिस नेशनल पार्क किस स्थान पर स्थित है? आंसर इज जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931? 1931 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ हर्षचरित्र? निम्नलिखित में से कौन हर्षचरित्र का लेखक है? आंसर इज बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ड्राफ्टेड द फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन 1931? निम्नलिखित में से किसने मूलभूत का मसौदा तैयार किया था कराची अधिवेशन 1931 में अधिकार प्रस्ताव? आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 गॉट रॉयल एसेंट? किस तारीख को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को रॉयल स्वीकृति मिली? आंसर इज 18 जुलाई 1947 यानी 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस?
आंसर इज सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट विच प्लेस। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान पर पाया गया था। आंसर इज मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन राइट्स टू लेजिस्लेट ऑन रेसिग्यूरी सब्जेक्ट्स। निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आंसर इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के गठन से जुड़ी निम्नलिखित हस्तियों में से कौन है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिफर्ड गांधी जी एज द हाफ नेकेड फकीर। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया। आंसर इज विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉन्ग जन गण मन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जनवरी 1912 अंडर द टाइटल ऑफ। जनवरी 1912 में जन गण मन किस शीर्षक के साथ संपादित की गई थी। आंसर इज भारत विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल महामना टू मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी। आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ पलासी वॉज फॉट बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड विच ऑफ द रूलर। पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किस भारतीय शासक के बीच हुआ। आंसर इज सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस पेंटिंग भारत माता वॉज मेड बाय हूम। प्रसिद्ध चित्र भारत माता किसने बनाया था। आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी का नेता कौन था। आंसर इज लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। भारत का पहला लोकसभा स्पीकर कौन था। आंसर इज गणेश वासुदेव मावलांकर। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल, और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जीके वीडियोस के लिए रेगुलर अपडेट देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।